जय हिंद सर, मैं एक सोल्जर हूं और मेरी वाइफ है सिमरन शर्मा और एक मेरे पास प्रीति है। मैं एथलेटिक का एक कोच हूं, पैरा एथलेटिक का। तो मेरे दो एथलीट है, दोनों 100 और 200 मीटर करते हैं और फर्स्ट टाइम जो एथलीट एथलेटिक में ट्रैक में मेडल आया है सर, मेरे ही एथलीट लेकर आए हैं अभी, और 3 मेडल आए हैं हमारा। काफ़ी वहाँ पर सीखने को मिला सर, जैसे कि वहाँ पर हमारा 100 मीटर में एक इवेंट में मतलब 2 मेडल आ गए, तो 2 मेडल एक ही रूम में, 2 एथलीट हैं 100 मीटर के दोनों पहली बार खेलने जा रहे हैं, देश के लिए पहली बार मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं ट्रैक में। तो जब 2 मेडल एक रूम में रखे हों और दूसरे खिलाड़ी का अभी इवेंट भी नहीं हुआ हो, तो उस प्रेशर को मैं एज ए कोच, एज ए हस्बैंड, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ। दूसरे एथलीट जो है उसका गेम भी नहीं हुआ और उसमें 2 मेडल रखे हैं, हाई प्रेशर है वो, कि भाई मेरा तो मेडल भी नहीं आया, उसके 2 मेडल आ चुके हैं। तो उसको उससे बाहर निकालने के लिए बार बार उसको मुझे एंगेज करना पड़ रहा था, बहुत बिजी रखना पड़ रहा था पूरे दिन। तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला, हम 100 मीटर में हार गए सर। अच्छा, वहां तो तुमने दिन निकाल दिए, अब घर में क्या होगा तेरा? है सिमरन। सर ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। मैं जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जाने से पहले बात हुई थी, एक्चुअली हम दोनों में ये बात होती थी कि ट्रैक को पहला मेडल कौन देगा। तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प्रीति का इवेंट पहले है, तो हम श्योर हो गए थे कि पहला मेडल तो यही देगी। तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए, अभी हम सुबह ही बात चल रही थी, तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा और उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा, तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।